एक तरफ कनाडा भारत से भिड़ा तो दूसरी तरफ उसने रूस को चिढ़ा दिया। रूस को कनाडा की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया है कि पूरी दुनिया में अब कनाडा की थू थू होने लगी है। कनाडा ने रूस से ऐसा पंगा लिया है कि रूस पूरी तरह से खौल रहा है। ये सब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में हो रहा है। भारत के बाद अब कनाडा की संसद में रूस का अपमान हुआ। कनाडा की संसद ने एक नाजी वेटरन को सम्मानित कर दिया। उसके बाद क्या था, ट्रूडो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और देखते ही देखते रूस ने कनाडा को पूर्व नाजी सैनिक को सम्मानित करने पर जबरदस्त फटकार लगाई। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष एंथनी रोटा ने 98 साल के यारोस्लाव हंका को वीर हीरो करार दिया। कुछ देर बाद उन्हें माफी मांग ली क्योंकि बाद में यह खुलासा हुआ क्योंकि यह एक नाजी वेटरन था। रूस इस बात पर भड़क गया। रूस कनाडा के इस कदम पर भयंकर नाराज है। नाजी दिग्गज को सम्मान देने पर रूस कनाडा से स्पष्टीकरण मांगेगा। रूस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडॉल्फ हिटलर की वेपन एसएस की इकाइयों में से एक में से काम करने वाले एक यूक्रेनी नाजी को कनाडाई संसद में दिए गए सम्मान पर कनाडा से स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी कर रहा है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी टास ने ओटावा में रूसी राजदूत ओलेग स्टेपानो का हवाला देते हुए कहा है कि ओटावा में रूसी दूतावास कनाडाई विदेश मंत्रालय और पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय को एक नोट भेजकर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगेगा। दूतावास कनाडाई विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को एक नोट भेजकर ये सफाई मांगेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल के फैसलों से एसएस को एक आपराधिक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है जो अंतरराष्ट्रीय कानून का एक अभिन्न अंग है। हिटलर के एक सदस्य को सम्मानित करके कनाडाई कैबिनेट और संसद के सदस्यों ने न केवल नैतिक बल्कि कानूनी मानदंडों का भी उल्लंघन किया है। इसी के खातिर अब रूस कनाडा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ तब हुआ जब वहां यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मौजूद थे, जिनसे इस वक्त रूस की भीषण जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।